नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर जी के चंद्रो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, कल्याण पीजी कॉलेज, भिलाई नगर। माय टॉपिक इज डिटरमिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी इंडाइसेस, पार्ट 3, स्पीसीज और वैरायटी रिचनेस इंडेक्स। स्पीसीज और वैरायटी रिचनेस, यहाँ पर इस इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी कम्युनिटी में पाई जाने वाली जो स्पीसीज या जो वैरायटीज़ हैं, या उन स्पीसीज या वैरायटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम्युनिटी कितनी समृद्ध है। स्पीसीज रिचनेस इज ए मेजर फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी। स्पीसीज रिचनेस इज सिंपली काउंट ए स्पीसीज एंड इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज और देयर रिलेटिव अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीसीज रिचनेस बेसिकली स्पीसीज की संख्या को शो करता है और इसका उन स्पीसीज के एबंडेंस या उसके डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता। इंक्रीजिंग द एरिया सैंपल्ड इंक्रीज स्पीसीज रिचनेस बोथ। जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जिस भी कम्युनिटी में हम सैंपलिंग कर रहे हैं और यदि उस एरिया में हम सैंपलिंग एरिया को बढ़ाया जाए तो स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है। इसके दो कारण हैं। एक, मोर इंडिविजुअल गेट इंक्लूडेड इन द सैंपल, क्योंकि एक से अधिक इंडिविजुअल या बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स उस सैंपल के अंतर्गत आएंगे, और दूसरा, लार्ज एरिया आर मोर हेट्रोजीनस देन स्मॉल एरियाज, कि जो बड़े क्षेत्र हैं वो छोटे क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा हेट्रोजीनस या विविधता को शो करते हैं या वैरायटी ऑफ स्पीसीज को शो करते हैं। स्पीसीज रिचनेस इज ग्रेटर इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, ज़्यादातर ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन लैंड एंड कोरल रीफ इन मेराइन इकोसिस्टम आर एमंग द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। एट प्रेजेंट वी लॉस स्पीसीज रिचनेस वेरी फास्ट, वर्तमान में स्पीसीज रिचनेस जो है बहुत ही तेजी से नष्ट होते जा रहा है। रिसर्चर एस्टिमेट दैट द करेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस वेरीज रफली बिटवीन 1 to 5 स्पीसीज पर ईयर। देर आर टू डिटर्मिनेंट ऑफ स्पीसीज रिचनेस, वन इज जियोग्राफिक एंड सेकेंड बायोटिक एंड एबायोटिक। जियोग्राफिक के अंतर्गत स्पीसीज पूल और उनके डिस्पर्सल को देखा जाता है, जबकि बायोटिक एंड एबायोटिक में, सबसे पहले बायोटिक की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत कंपटीशन, प्रिडेशन, फैसिलिटेशन एंड एबायोटिक के अंतर्गत रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल हेट्रोजेनिटी, डिस्टर्बेंस इन फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आदि गुणों को शामिल किया गया है। द नंबर ऑफ स्पीसीज इज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। वी यूज ए फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीसीज रिचनेस गिवन बाई मैनहेनिक। मैनहेनिक ने एक फार्मूला 1964 में दिया था जिसके अनुसार नंबर ऑफ स्पीसीज को
डिवाइड किया जाता है बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो द फॉर्मूला इज डी इज इक्वल टू, हियर डी इज ए स्मॉल लेटर, डी स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन अंडर रूट कैपिटल एन. डी इज इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन अंडर रूट कैपिटल एन इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीसीज और वैरायटी रिचनेस इंडेक्स, वेयर स्मॉल डी डिनोट स्पीसीज और वैरायटी रिचनेस इंडेक्स, कैपिटल एस डिनोट नंबर ऑफ स्पीसीज एंड कैपिटल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. Now we calculate species or variety richness index with the help of given data. इस observation table में दो community के data को show किया गया है. Total 8 species हैं. Cynodon, Dictylon, Evolvulus, Alcinoides, Desmodium, Trifolium, Melilotus alba, Euphorbia hirta, Anagelis arvensis, Cypress species and Smithia ciliata. In case of community A, all the 8 plants are present with their individuals. कम्युनिटी ए में साइनोडॉन डिक्टाइलॉन के 120 इंडिविजुअल्स हैं, इवाल्वुलस एल्सिनॉइडिस के 5, डेस्मोडियम ट्राइफोलियम के 8, मेलिलोटस एल्बा के 5, यूफोर्बिया हिल्टा के 8, एनागेलिस अरवेंसिस के 2, साइप्रस के 1 और स्मिथिया के 3. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी ए इज 152. नंबर ऑफ स्पीसीज 8 एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल 152. इन केस ऑफ कम्युनिटी बी, आउट ऑफ 8 ओनली 5 स्पीसीज प्रेजेंट. सो देयर इज टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इज 5 एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज साइनोडॉन डिक्टाइलॉन with 150 individuals, Evolvulus alcinoides 26, Euphorbia hirta 38, Cypress 70 and Smithia 42, and the total number of individuals is 326. Now the figure is, in case of community A, number of species 8 and number of individual 152. Whereas in case of community B, number of species 5 and the number of individual is 326. With the help of these data, now we calculate variety richness index. First, for community A, small d is equal to 8 upon under root 152. After calculating under root 152, the value is 12.33. So now the next step, 08 upon 12.33. And finally, D is equal to 0.64 is variety richness index. In case of community B, D is equal to 5 upon under root 326, और 326 का under root निकालने के बाद जो value आती है वो है 18.06.
तो नाउ डी इज इक्वल टू 5 अपॉन 18.06 एंड द वैरायटी रिचनेस इंडेक्स इज 0.28। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीसीज और वैरायटी रिचनेस इंडेक्स फॉर कम्युनिटी ए इज 0.64 एंड द कम्युनिटी बी इज 0.28। अब यहां पर दो टेबल लेने के पीछे रीजन क्या था। पहले टेबल में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा थी लेकिन उनके इंडिविजुअल्स की संख्या कम थी, जबकि दूसरे टेबल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम थे ज्यादा थे और नंबर ऑफ स्पीसीज कम। मतलब ये कि किसी भी कम्युनिटी में वैरायटी रिचनेस जो है उनमें पाए जाने वाली स्पीसीज पर निर्भर करती है, ना कि उनके इंडिविजुअल्स पर। क्योंकि जिस कम्युनिटी में, यानी कि कम्युनिटी ए में स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर वैरायटी रिचनेस इंडेक्स भी ज़्यादा है और वो है 0.64। जबकि कम्युनिटी बी में इंडिविजुअल की संख्या 326 होते हुए भी स्पीसीज की संख्या क्योंकि 5 है, इसलिए वहाँ पर वैरायटी रिचनेस इंडेक्स आया 0.28। सो वी कैन से मोर स्पीसीज इज इक्वल टू ग्रेटर रिचनेस। जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतना ही ज़्यादा रिचनेस इंडेक्स होगा। थैंक यू।